आज बहुत ही डिलीशियस सा नवरात्रों के व्रत में खाने के लिए हम बर्गर बनाएंगे जो कि बहुत ही हेल्दी और यमी बनता है। ये देखिए इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। पनीर है, पनीर को मैंने इस तरह से राउंड शेप में कट किया है, दो स्लाइसेस लिए हैं पतले पतले, ना ज़्यादा बहुत पतले हैं ना मोटे हैं। एक बॉयल्ड आलू है, इस तरह से टमेटो स्लाइसेस हैं और खीरा की स्लाइसेस हैं। मेयोनीज तो इसमें हम नहीं यूज कर सकते, तो मैंने इसके लिए ली है पुदीने की चटनी और इधर है इमली की चटनी। एक स्लरी सी बनाएंगे। ये व्रत में खाने वाला आटा है जो सफेद आटा आता है, दो तरह के आते हैं, एक सिंघाड़े का जो थोड़ा सा काला टोन में होता है, एक वाइट आता है, ये वही है। इसको हम थिक सी स्लरी बनाएंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी इसमें चाहे तो ब्लैक पेपर चाहे ये रेड चिली कुछ भी ऐड कर लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये जो स्लरी है ये इतनी ही थिक होनी चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं बनाएंगे। अब तवे पैन जिस पर भी ये बर्गर बनाना है ऑन कर लेंगे। बटर डाला मैंने इसमें, चाहे तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये एक पनीर की स्लाइस लेंगे और जो हमने ये थिक स्लरी बनाई थी ये लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से, ताकि अच्छे से इसको क्रंच मिले। ये इस आटे को इस तरह से लगाने से इसमें बहुत ही बढ़िया क्रंच आएगा। इस तरह से इसको रख देंगे और क्रिस्प दोनों स्लाइसेस इसी तरह से रखेंगे। दूसरी पर भी हम ये लगा देंगे ये थिक सी स्लरी। अब इसको भी इस तरह से रख देंगे ताकि ये नीचे से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये जो आलू है जिस तरह से हमने बाकी सब्जियां कट करी हैं, इसको भी इस तरह से हम राउंड शेप में कट कर लेंगे। ये पुदीने की चटनी है, पुदीने धनिये की, एक साइड पर हम अच्छे से ये लगा देंगे। एक साइड पर पुदीने की चटनी लगाई और एक साइड पर हम ये थोड़ी सी इमली की चटनी लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम ये स्लाइसेस रखेंगे। ये पटेटो नीचे रख देंगे इस तरह से। ये आप पर डिपेंड है, आप दो दो स्लाइसेस रखना चाहें। अब इसके ऊपर हल्का सा नमक लगाएंगे। नमक स्प्रेड कर दिया, चेक कर लेंगे इसकी दूसरी साइड अच्छी क्रिस्पी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही यमी बर्गर बनता है। यमी सा फास्ट स्पेशल बर्गर बनकर फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल रेडी है। ज़रूर से ट्राई कीजिए आप इस रेसिपी को, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। डिफरेंट सी है, बहुत ही यमी हेल्दी और टमी फिलिंग रेसिपी है क्योंकि ये हमने पनीर से बनाया है। और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइए।